हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, हम लोग मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के अर्थ, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की डेफिनेशन और ज्यूडिशियल रिव्यू पर चर्चा किए थे। आज हम मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त में उनका परिचय जानेंगे कि क्या क्या मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और उसका विस्तार से अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज यहाँ पर हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में अगर देखें तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आर्टिकल 12 ये राज्य को डिफाइन करता है, राज्य की परिभाषा देता है। तो ये जो है कहना चाहिए कि आपका अलग जो है तो कॉन्सेप्ट हो जाता है। दूसरा आर्टिकल 13 जो है ये ज्यूडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन को जो है तो स्पष्ट करता है। ना इसी के अंतर्गत हम लोगों ने थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे की अवधारणा का भी अध्ययन किया था। मुख्य रूप से आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वह आर्टिकल 14-35 दिए गए हैं। इनके अंतर्गत हम देखें तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो पहला मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, समता का अधिकार आर्टिकल 14-18 अनुच्छेद 14 से 18। इसके बाद जो है दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स है ना, दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखिएगा, शोषण का अधिकार नहीं है, है ना। कई लोग जो है तो बोलने लगते कि अनुच्छेद 23-24 में शोषण का अधिकार है, शोषण का अधिकार नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, शोषण ना हो, कोई शोषण ना कर सके उसके लिए अधिकार है ना। इसके बाद अगला फंडामेंटल राइट से अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये
आर्टिकल 25 टू 28 अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। इसके बाद अगला आता है आर्टिकल 29 एंड 30, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30। अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। तो यहां पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार हमें यहां पर दिख रहे हैं, है ना। नंबर 1 राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अगला है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। पांचवा है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30। और छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यद्यपि संविधान के प्रवर्तन के समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, है ना। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन यहां पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ना 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा एक फंडामेंटल राइट्स को यहां से हटा दिया गया, है ना। और वो था संपत्ति का अधिकार, क्योंकि देश के विकास के लिए कई बार सरकार को संपत्ति, है ना, जैसे कि भूमि आदि को जो है अधिग्रहित करने की आवश्यकता पड़ती है। और फंडामेंटल राइट्स होने के कारण संपत्ति को, भूमि को अधिग्रहित करने में काफ़ी समस्याएं आती थी, जिससे देश के विकास में अवरोध जो है तो पैदा होता था। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया गया, लेकिन इसे तब भी संविधान में बनाए रखा गया। अर्थात यहाँ पर जो कहना चाहिए कि आपका संपत्ति का अधिकार था उसे यहाँ पर मौलिक अधिकारों से हटा करके आर्टिकल 300A के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार के रूप में, एक विधिक अधिकार के रूप में, एक लीगल राइट्स के रूप में
स्थापित कर दिया गया है। है ना, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके अब आर्टिकल 300A अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में, एक लीगल राइट्स के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अलग कर दिया गया। और वर्तमान में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार हमारे पास बचते हैं, है ना। अब इन 6 मौलिक अधिकारों में अगर हम देखें तो यहां पर पहला है समता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14 में हम लोग देखेंगे विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता में दो प्रावधान हम लोग देखेंगे, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में हम लोग देखेंगे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में हम लोग देखेंगे अवसर की समानता, जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य के अधीन नौकरियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी के लिए समाप्त करने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 को शामिल किया गया है, अनुच्छेद 17 को शामिल किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 18 में हम लोग देखेंगे उपाधियों का अंत, केवल शिक्षा और सेना दो ही क्षेत्र बचे हैं जिनमें उपाधियां प्रदान की जाती हैं, अन्य क्षेत्रों में उपाधियां समाप्त कर दी गई। तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक हम लोग राइट टू इक्वलिटी, समता के अधिकार के संदर्भ में चर्चा करेंगे, इसको विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए वाक एवं अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की आज़ादी दी गई है, उसे अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी दी गई है। भारत में संगम या संघ बनाने की आज़ादी, कहीं पर भी भ्रमण करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, कहीं पर भी निवास करने की आज़ादी, कोई भी व्यापार, उपजीविका आदि करने की आज़ादी दी गई है। इसके बारे में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्तियुक्त निर्बंधन की भी चर्चा की गई है, जिसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जो कि अभियुक्त व्यक्तियों के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे दोहरे दंड से संरक्षण, है ना, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता, है ना। इसके अलावा जो है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, अर्थात जो है किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस प्रकार से, है ना,
ये तीन सिद्धांतों का अध्ययन हम लोग अनुच्छेद 20 के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद अगला है 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है, उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से यदि पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो कैसे वह कारण जान सकता है, कैसे वह जो है अपने मनपसंद अधिवक्ता से चर्चा कर सकता है, और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निरुद्ध रख सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 में हम लोग देखेंगे मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम और बेगार से संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कराया जा सकता है, किसी व्यक्ति को कोई पारिश्रमिक दिए बगैर कार्य नहीं कराया जा सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे जो है कहना चाहिए कि अवसर हैं जिनमें व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी राज्य के द्वारा कार्य कराया जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। इसके बाद अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतर्मन के अनुसार, अपने अंतरात्मा के अनुसार जो उसे अच्छा लगे उस धर्म को स्वीकार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर धर्म परिवर्तन के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई लोभ लालच आदि नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। साथ ही साथ धर्म के अनुसार आचरण करने, धर्म के अनुसार अपनी क्रियाकलाप करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धार्मिक कृत्यों का प्रबंध करना, इन सब के बारे में भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों में कब धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कब नहीं दी जा सकती है, इसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 29 एंड 30 के अंतर्गत हम लोग अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत उनके शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकारों पर यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। और अंत में इन सभी अधिकारों के उपचार की बात हम लोग करेंगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और लास्ट में क्यू वारंटो, अर्थात अधिकार प्रक्षा।
इन 5 रिट्स जारी करते हुए न्यायालय के द्वारा इन फंडामेंटल राइट्स का, इन मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। इन मौलिक अधिकारों को राज्य के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित किया जाता है ना। हैवियस कार्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस अर्थात परमादेश, प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध, और सर्शेरी अर्थात उत्प्रेषण, क्यू वारंटो अर्थात अधिकार रक्षा। तो इस प्रकार से ये मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं भाग 3 के अंतर्गत, जिनका एक एक करके हम लोग विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे अगले वीडियोस में। इन वीडियोस को आप तक समय समय पर, ये वीडियो आप तक पहुँचते रहें, इसके लिए यदि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो चैनल को RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दिए बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य सभी लोगों का लाभ, यहाँ पर सभी लोगों को इसका लाभ जो है तो मिल सके। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।